अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, SN मोबाइल एंड रिपेयरिंग चैनल की आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह आप किसी भी फुल शार्ट मोबाइल को किस तरह आप इसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह मोबाइल की हाफ शॉटिंग को फाइंड करके रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह किसी भी मोबाइल की फुल शॉर्टेज को आप ट्रेस कर सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व करें। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये एक मोबाइल आया है कॉलमी का, जो कि फुल शॉर्ट प्रॉब्लम में है। तो चले दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा और कहीं से स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम इसको मीटर की मदद से इसको चेक करते हैं। आपको मैं बताता चलूं, मीटर को हम बज़र मोड पे सेट करते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये फुल शॉर्ट दे रहा है। इस कंडीशन में या तो इसको 1 वैल्यू देनी चाहिए या 1000 प्लस देनी चाहिए, जबकि इस कंडीशन में इसको 200 से लेके 600 के दरमियान में देनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, दोनों साइड से ये फुल शॉर्ट शो कर रहा है। आपको बताने के लिए मैं इसको सप्लाई पे भी आपको चेक करा देता हूँ कि ये फुल शॉर्ट शो कर रहा है। सप्लाई को मैंने 3.7 पे सेट किया हुआ है। तो जैसे ही इसको हम सप्लाई के साथ लगाते हैं, फुल शॉर्ट शो करते हैं। देखें दोस्तों, ये फुल शॉर्ट है। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल को ओपन करते हैं जल्दी जल्दी से और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम दो वजह से ज़्यादा रहती है, या तो चार्जिंग लगाने की वजह से, जो आजकल नॉर्मल क्वालिटी के चार्जर्स हैं वो लगाने की वजह से आती है, या फिर वाटर डैमेज आने की वजह से आती है। तो दोस्तों, फुल शॉर्ट को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज सप्लाई की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फुल शॉर्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सप्लाई को मैंने 3.7 पे सेट किया हुआ था, जिसमें ये यानी कि फुल शॉर्ट शो कर रहा था, जिससे इसकी शॉर्टेज मालूम नहीं हो सकती थी। तो इस कंडीशन में आपने सप्लाई को, इसकी वोल्टेज को कम कर देना है, 1.8 या 1.9 पे आपने सेट कर लेना है, और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए सप्लाई के साथ लगा रहने देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 70% लगभग ये शॉर्ट है। थोड़ी देर हम इसको लगाए रहने देंगे, तो जहाँ पर ये शॉर्ट होगा वो जगह इसकी हीटअप होगी। तो हम इसको चेक करते हैं, फिंगर की मदद से हम चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे हीट अप महसूस हो रही है, तो इस साइड तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस साइड भी कुछ चेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मुझे हीट अप काफ़ी हीट हो रहा है, तो चलें इसको मैं चेक करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये तो ये सेट यहाँ पे वाटर डैमेज है। तो चले दोस्तों, जहाँ पे थोड़ी हीट आ रही थी, तो वहाँ पे हम बरोजे की मदद से थोड़ी इसको लगा देते हैं चेकिंग के लिए। और इस टाइम आपने कोई फ़ैन वगैरह हो तो उसको बंद कर देना है, स्मोक कर लेते हैं ब्रोज़े का। तो चलिए दोस्तों, अब इसको अगेन सप्लाई पे लगा के चेक करते हैं कि कौन सी जगह जो है शॉर्ट है। तो जो जगह शॉर्ट होगी वहाँ पे जल्द ही ये स्मोक मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए, इसको मैं सप्लाई से लगाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको सप्लाई के साथ लगाया, तो
तो जो ये कैपेसिटर है इसके सिग्नल आईसी के पास लगा हुआ है, यहाँ पे फुल इसने जो स्मोक थी मेल्ट कर दी है, यानी कि जो इसका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट है। अगेन भी आपको मैं चेक करा देता हूँ, दोबारा इस पर स्मोक करके मैं चेक करा देता हूँ। तो दोस्तों अगेन मैं आपको चेक करा देता हूँ, जैसे ही मैं इसको सप्लाई के साथ लगाऊंगा देखिएगा। तो देखिए दोस्तों ये इसको मेल्ट कर देता है। तो मोस्टली दोस्तों जितने भी जो फुल शॉर्टेज होती है, ज़्यादातर जो इसका सिग्नल सेक्शन होता है वहाँ पे जो इसकी वी बैट लाइन में इसका कैपेसिटर लगा होता है, ये शॉर्ट होने की वजह से फुल शॉर्ट प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों चलें इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसको सप्लाई पे चेक करते हैं थोड़ा। तो चलिए दोस्तों रिमूव करने के बाद कैपेसिटर हम इसको अगेन सप्लाई पे चेक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो शॉर्टेज थी वो बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, यानी कि ख़त्म हो चुकी है। इसको मैं आपको ऑन करके चेक कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों हमारा मोबाइल जो है ऑन हो चुका है और इसकी शॉर्टेज ख़त्म हो चुकी है। तो हम फिर भी जहाँ पर पानी गया हुआ था इसको CTC आप थिनर या पेट्रोल की मदद से इसकी सफाई कर सकते हैं। मैं इसकी सफाई कर लेता हूं। तो दोस्तों अब मैं अगेन मीटर पे भी आपको चेक करा देता हूं, जो कि मीटर पे फुल शॉर्ट शो कर रहा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसकी वैल्यू बिल्कुल ओके है, और इसको रिवर्स करके चेक करते हैं। और ये देखिए दोस्तों दोनों साइड पे इसकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारी जो शॉर्ट प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी मोबाइल फुल शॉर्ट प्रॉब्लम में आए, तो आप स्टेप बाई स्टेप इस मेथड से आप किसी भी मोबाइल की फुल शॉर्टेज को रिमूव कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, पेयरिंग से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।